അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ ഈ പോലെ तभी बस हम अपने जीवन में उस परमेश्वर का सामर्थ्य को पा सकते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ने में मुंबो। हम वचन बोलने से पहले देवदूत आत्मा और लोगों ने कहा कि हम होया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि एक बात या एक काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। जीवन तीन मुआव से भी उतरा। भजन 23। चार से पढ़िएगा। उसको चार से हम पढ़ेंगे। सब लोग निकाल दीजिए बाइबल, सब लोग निकाल दीजिए। पढ़िएगा पढ़िएगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। मतलब जो भजन पढ़ा के आपने ध्यान दिया आज पहले यहाँ प्रार्थना करने का विषय अभी आपके सिर पर परमेश्वर पवित्र आत्मा का तेल गिरने वाला है। तुम्हारा जो अंदर का कटोरा है वो उमड़ना है आज। तभी बस हमारा वचन जो है आपके अंदर कार्य कर पाएगा। जो जो अपने घुटने में आ सकता है वो अपने घुटने में आए। सब यू घुटना पर खड़ा हो जाए। जो आप भैया तो जिएगा, जो नहीं घुटने में नहीं आ सकते हैं तो इधर आप लोग बैठ सकते हैं। ऐसे बैठिए। आपको घुटना में नहीं बैठ सकते, इससे मार पड़ेगा ना, पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। आप लोग प्रार्थना करते हैं वो आपके लिए है। कृपया करके परमेश्वर के दासों को एक तो परमेश्वर का दर्जा ना दे। आमेन। यीशु मात्र है एक सत्य देव। परमेश्वर यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। सब अपने सिर को सीधा रखे। सबका सिर सीधा रखे। कानों से आप सुने पवित्र आत्मा का वो तेल अभी परमेश्वर मेरे सर पे गिरे, मेरे पैर मात्र नरक में गिरे, मेरे
मेरा कटोरा उबरने पाए। आप लोग सब प्रार्थना करें। वचन कहता है तेरे सर में तेल से वो अभिषेक करेगा और तेरा कटोरा भी उबड़ेगा। वो अभी इसी वक्त यहाँ होने वाला है। वो खोल के अपने परमेश्वर की स्तुति करें। विश्वास से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि वो तेल परमेश्वर अभी मेरे सिर पे गिरे। जब तुम्हारे सिर पे वो तेल गिरेगा तो जब वो तेल गिरेगा तो अपने हाथों को बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। शक्ति तब वहाँ पे वो आग की शक्ति गिरेगा। यीशु के नाम से आपके सिर पर वो आग गिर पाए। Okay.
अपने मुंह से खोल कर अपने भाषा बोल हालेलुया बला 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 शंदर हालेलुया हमें मिशन नाम पे हालेलुया 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 बला 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 शंदर पवित्र आत्मा के बारे में हमें बहुत कुछ
पवित्रात्मावत यंत्र आनंद पदक पड़ी थी ना पवित्रात्मा क्या है सचमुच हम लोग जानते नहीं है आमेन कृतत्विन मूना बनाए परिशुद्धात्मा और त्रिमात्र परमेश्वर ने पवित्र परमेश्वर ना पिता पुत्र परिशुद्धात्मा पिता पुत्र पवित्रात्मा सब पास में बैठे रहने पर और उसके बारे में हमारे पास्टर भी कुछ बोले अब वो बोलू ना मैं वो एक ही है निर्भरता को मारे तो मुझे लोग जाना और भय बोल रहा आज सुबह के समय मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ अन्य भाषा कर्मा कर्म अन्य भाषा क्या है बता सकते हैं आप लोग कोई बता सकते हैं अन्य भाषा क्या है किसी को मालूम नहीं बताइए ना अन्य भाषा क्या है सही हमें हम कर रहा अन्य भाषा में मालूम तो हम निकालेंगे अन्य भाषा क्या है फर्स्ट कॉरिंथी पहला कुरिंथी ओमाना अध्याय चौदह पहले मिलता सब निकाले हाँ चौदह अभी तो रहना मतलब वाक्य तो दुआई चाह चौदह का दो से हम पढ़ें क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है उबल से ला करो अन्य भाषा हम समझेंगे अन्य भाषा तो मनुष्यों वाला संसार की तरह ये मनुष्यों से नहीं हमारे देव तो होगा हम परमेश्वर से बातें करते हैं हम समझना है आपको अन्य भाषा मनुष्यों को संसार की तो अन्य भाषा जो है अन्य भाषा जो है परमेश्वर से बातें करता है आमेन आमेन सत्य के निर्धारित है यहाँ पर एक ध्यान देने वाला विषय है अपोस्तोल प्रवृत्ति कदम अध्ययन करते हैं प्रेरितों कथा निकालने के उसका पहला अध्याय गंडा मध्याय दूसरा निकालेंगे उस दिन तब जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा लाला तो तक चार समय नहीं है चार पढ़े और उनसे एक मिनट चार पढ़े और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम समझ से सुन चुके हो क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु आप कौन सा पढ़ रहे हो सब लोग सुनना एक मिनट एक मिनट घर से पढ़ेगा आप लोग दो से चार बैठे एक्ट चैप्टर टू वर्स 4 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे बस 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 उन्होंने सब जोड़ा अब ने अन्य भाषा पर टिप्पणी नहीं होगा यहाँ पर भी अन्य भाषा के बारे में बताया है कुरिन्थियों लेखन में तुम अन्य भाषा पर टिप्पणी नहीं होगा और कुरिन्थियों में भी जो है अन्य भाषा के बारे में बताया है अपोस्तोल प्रवृत्ति परे पढ़ना ई अन्य भाषा और प्रेरितों के काम में बोला गया ये अन्य भाषा आत्मिक वर्तन वर्तन वाला आत्मिक बढ़ोतरी देने वाला नहीं है लोग सुशेषी करना तुम्हारा भाषा ये पूरे संसार के सेवकाई के लिए हुआ एक शब्द लिखा गया एक वचन है जो ना भी कंफ्यूज आ गया कि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो व्याख्यान मुंडा गया इसका गलत व्याख्यान या अर्थ ना निकाले अर्थ पदों में वाइट में मन से रहो हमें उसके आगे के पदों को जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमें और पुष्टिकरण हो जाता है पढ़िए माइक में पढ़िए मैं बैठे उसके आगे हम पढ़े आकाश के नीचे आकाश के नीचे कि हर एक जाति हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं मेरी भाषा में
ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, ജനിച്ചോണം. ലോകത്തുള്ള പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന അന്യഭാഷ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അന്യഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ലീഡർ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ ഭാഷയിലാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങള്, എന്റെ മാനസാന്തരം, ഞാൻ മടങ്ങി വരുവാനേക്ക് എന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. എന്റെ വൈഫിന്റെ അപ്പൻ ഉപ്പളി എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകത്തിൽ സ്ഥലമുണ്ട്. വലിയ മീറ്റിംഗ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒരു സായിപ്പ് വന്നു. പരിഭാഷ ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ല. ജനം വന്ന് ഹോളിൽ നിറയുകയോ വിളിച്ചു എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല. ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചു. രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം. മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ പോലെ അന്യഭാഷ ആത്മീയ വർത്തനയ്ക്കുള്ളതല്ല. ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെന്നെ ചോദിച്ചോളാം. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ കൊരന്തിയയിലുള്ള അന്യഭാഷ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാം. അന്യഭാഷ മനുഷ്യ
ഈ പറയപ്പെടുന്ന അന്യഭാഷ ദൈവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന കൃപാവരം അന്യഭാഷ നാം കാ കൃപാ വാഞ്ചിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്യഭാഷ പോലെ പ്രാർത്ഥന ഈ കൊരിന്ത്യയിൽ പറയുന്ന അന്യഭാഷ വ്യാഖ്യാന വരത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അന്യഭാഷ പറയുന്ന മക്കൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഇതെല്ലാവരും പറയുന്ന അന്യഭാഷയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജീവിത വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അന്യഭാഷ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ഉറവയിൽ നിന്ന് കയ്പിന്റെയും മധുരത്തിന്റെ വെള്ളം പുറപ്പെടുത്തില്ല. ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റർ വിളിക്കുമ്പോ നാളെ ഈ സിസ്റ്ററെ പറ്റി കള്ളം പറയാൻ എന്റെ മാവിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അന്യഭാഷ പറയും, നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ മന്ദിരമാണ്. ശരീരം ജോ ഹൈ പവിത്രാത്മാന്റെ മന്ദിരം. ജീവൻ പോയാൽ കള്ളം പറയുന്നു. ജീവൻ ക്യൂ നാ ചലേ ജയ ഹം അപ്നേ മുഹ് സേ ജൂട് നഹി ബോൽനാ ചാഹിയേ. അന്യഭാഷ പറയുന്നത് ക്യൂൻകി അന്യഭാഷ ഹം ജോ ബോൽതേ ഹൈ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് അന്യഭാഷയാണ് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചതിന്റെ അടയാളം. പ്രവൃത്തി പറഞ്ഞ അന്യഭാഷ പലർക്ക് മനസ്സിലാവും. അന്യഭാഷ അന്യഭാഷ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല. സാത്താൻ പോലും മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. ആത്മാ വലിയ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ ഒരു ചെറിയ വാക്കായിരിക്കും പറയുന്നത്, അന്യഭാഷ താനുള്ള വാക്കായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും വാക്കായിരിക്കാം, വലിയ മർമ്മമാ സംസാരിക്കണം. ഒരു ചെറിയ പെൺറൈവിനകത്ത് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകളായതിനകത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അന്യഭാഷ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മളോട് തന്നെ ആയിരിക്കാം. അന്യഭാഷ
మన మధ్యలో వ్యక్తులు ഞങ്ങളും പറയുകയും
अन्य भाषा संसारी होगा अगर आपको समझ में आया है तो आप आमीन बोले आप लोग ध्यान दें मैं एक साल हुआ अन्य भाषा बोल रहा हूँ क्या हमारे अंदर कोई उन्नति हुआ क्या अब अगर कोई उन्नति नहीं हुआ अन्य भाषा वो अन्य भाषा सही है क्या हमें एक बार जांचना है अन्य भाषा वाले तो जो अन्य भाषा बोलता है विश्वास करती है उसके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी होता है उसमें धैर्य होता है प्रार्थना का जीवन में बढ़ोतरी होता है उसके अंदर पवित्रता बढ़ता है और जब पाप आता है तो वो पाप को समझता है किसी और का बुराई नहीं करता किसी की बुराई नहीं सुनता वो हमेशा परमेश्वर से बातें करता रहता है जब हम नहाते समय और जब रसोई घर में काम करते समय और जब घर में झाड़ू पोछा करते समय कोहरे जाते समय और जब बस में बैठते समय अन्य भाषा में हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं एक दिन में 3 घंटा कम से कम अन्य भाषा में प्रार्थना करके परमेश्वर हमारी अवस्थाओं में बदलाव लाएगा वचन इस प्रकार लिखा है आत्मा में प्रार्थना करो बुद्धि से प्रार्थना करो आत्मा क्या है आत्मा की प्रार्थना आप बताएं क्या है आत्मा की प्रार्थना कोई नहीं है पास्टर जी सब लोग चले गए अच्छा तो दरवाजा बंद कर देना भैया फिर हम भी ना मतलब अन्य भाषा बोले हम क्यों अन्य भाषा बोलते हैं फिर हम क्यों हम जब आराधना करते तो हम नाच नाच के हम क्यों आराधना करते हैं मेरे वचन पाई थी क्या वचन पढ़ते हैं संडे को पास्टर प्रचार करते हैं फिर हमें पढ़ने की क्या जरूरत इसीलिए तो हम पास्टर को यहाँ पे रखें और हमें याद रखना है उस परमेश्वर के न्याय से खड़ा एक दिन हमें होना पड़ेगा और यही वचन जो है हमें नापेगा कि हम क्या है आप एक बार कल्पना करें कि हम उस न्याय पीठ के सामने खड़े हैं और परमेश्वर कहता है ये गलतियां है तेरे अंदर और मैं कहता हूँ पिता मुझे एक और अवसर दे मैं एक बार अपने मन को फिरा कर फिर तेरे सामने आऊंगा एक फिर हमें एक अवसर नहीं भूमि जीने की बढ़ाना इस संसार में जब हम जीते हैं इसी ऐसे ऐसे समयों में जो है मन फिराव की अवस्था प्रभु देता है इसीलिए ही हम उपवास प्रार्थनाओं को रखते हैं इसीलिए ही वचन की प्रचार होता है इसी कारण के लिए हम कन्वेंशन रखते हैं इसीलिए अलग अलग प्रकार का मीटिंग रखते हैं हम प्रत्येक मन फिरा सके परमेश्वर के न्याय के सामने मन फिराव के अवसर नहीं तब परमेश्वर हमसे बोलेगा शैतान के लिए बनाया हो जगह के लिए चले जा हमें कोई बंधन नहीं ऐसा एक अवस्था आपके जीवन में नहीं होना चाहिए आत्मा में प्रार्थना करना मतलब कल इसके बारे में बताया था आप लोग कल आप
आपको बताए थे आप लोग भूल गए होंगे लिखा है एक चौदह अभिंदे चौदह से पढ़े चौदह पंद्रह पढ़े चौदह और पंद्रह पढ़े इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है सुना लिख के रखो बाइबल का और उसके नीचे लाइन मार दो चौदह का पैरा है ना चौदह का चौदह എന്തുമാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന കേട്ട സമയം വലിയൊരു മർമ്മമുണ്ട് എന്താ പറയുക അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന ബുദ്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് പ്രാർത്ഥന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ വരിക एक व्यक्ति जो है पहली बार हमारी कलीसिया में आ रहा है मेरे पास्टर थे और हमारे पास्टर के पास गए पास्टर तले करो बच्चों पास्टर ने सर पे हाथ रखा अन्य भाषा प्रार्थना की अन्य भाषा में पास्टर ने प्रार्थना किया कुछ करो भैया कोई फल नहीं होगा अन्य भाषा फूल हम पर्सनल ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു क्योंकि अन्य भाषा जो है हम पर्सनल परमेश्वर से बातें करते हैं ये राण वन्नु एक नया व्यक्ति आते समय आ व्यक्ति पे चुल्ला कार्य अन्वेषिच्चु उस व्यक्ति के बारे में हमने थोड़ा सा जान किया विषय में हमने केटू उनके विषयों में हमने सुना हमारे भाषा में हमने प्रार्थना उनके भाषा में हमने प्रार्थना किया वो बुद्धि का प्रार्थना वो बुद्धि का प्रार्थना है दोनों आवश्यक है ये दोनों आवश्यक है और पढ़ते हैं अर्थ प्रदेश जो है आत्मा में प्राप्ति संभव नहीं होता हां मेरी बुद्धि काम नहीं देती बाकी कटा देखा समझ गया क्या आत्मा में प्राप्ति करना और व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति अवंत बुद्धि अवलमाई उसका बुद्धि वहां काम नहीं आता हमारे बड़ीपाड़ी वहां तब वो भविष्यवाणी या फिर दर्शन को देखता है दादा ये शब्द नहीं करते पता परमेश्वर के वचन को वो सुनता है समझ गया ना आ और लेवल लेके पर गिर नहीं जाते उस एक स्थिति में या लेवल में हम लोग चढ़ नहीं पाते हम इरिक्कुन्न इडम मर आराधिक्कुन्न हम अपने जहाँ बैठे हैं उस जगह को भूल कर करने वाला भी एक आराधना है मैंने इस प्रकार देखा है लोग जब आराधना करते हैं तो अपने सामने वाले जगह से उठ के पीछे फिर पीछे से आगे इस प्रकार आराधना करते हैं ആത്മാവിൽ വ്യക്തിപരമായി തനിയെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം आज के दिन की हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उसे प्राप्त करें कि हम परमेश्वर से गुप्त बातें मतलब अन्य भाषाओं में घंटों घंटों बात कर सके आत्मा को पाड़ो आत्मा में बातें गीत गा सकते हैं बुद्धि को पाड़ो बुद्धि में भी गीत गा सकते हैं आत्मा भी लोगों को प्रार्थना किया आत्मा में भी प्रार्थना कर सकते हैं बुद्धि को प्रार्थना किया बुद्धि में भी प्रार्थना कर सकते हैं इतने मनुष्य आयो कुछ और अभी पूछेगा तो कुछ जवाब मिलेगा इत मनसा अन्य भाषा पर जो जो लोग किस चीज को पहचान नहीं पाए या समझ नहीं पाए वो कृपया करके अन्य भाषा ना बोले ഏതെങ്കിലും वचन നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ जो भी वचन हम सुनते हैं പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്ര എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാ आप प्रार्थना करें कि प्रभु क्या इसका अर्थ मुझे समझा सबगल अन्य भाषा पर पढ़ी भी नहीं आजकल कलीसियाओं में अन्य भाषाओं के बारे में टीचिंग नहीं देते सातान रिश्ता और शैतान को ये पसंद भी है हां अन्य भाषा पर सातान नहीं थी क्योंकि अन्य भाषा बोलते हैं तो शैतान को समझ में नहीं आता आत्मा में प्रार्थना प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करने वाली प्रार्थना बुद्धि को अरे मणिकूर प्रार्थना अल बुद्धि को अरे मणिकूर प्रार्थना और जब बुद्धि से एक घंटा प्रार्थना करता आत्मा में और आत्मा में पांच मिनट प्रार्थना और पांच मिनट प्रार्थना करता बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रकाश तुम्हें मिल जाता है अभी मुझे एक आवश्यकता है अब मैं परिस्थिति चिंतित हूं वो मैं अपने मन में चिंता करता हूँ और उसके चिंता करके मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता
ఆత్మావి ప్రార్థించిన ప్రార్థన ఆత్మావి ప్రార్థన కర్నే వాలా దైవతు ఇష్టముల ప్రార్థనయా ఈ పరమేశ్వర్ కు బాహతా హువా ఔర్ యే పసంద్ ఆనే వాలా ప్రార్థన హై దైవం ఆగ్రహించిన ప్రార్థన పరమేశ్వర్ కి ఇచ్ఛా రక్నే వాలి ప్రార్థన హై దైవం వాంచికిన ప్రార్థన పరమేశ్వర్ హమ్సే చాహతా హై కి హమ్ ఇస్ ప్రకార్ ప్రార్థన కరే హమల బుద్ధి కొండ ప్రార్థించిన ప్రార్థన కేటి వెళ్ళినా అగర్ హమ్ అప్నే బుద్ధి సే ప్రార్థన కరే అగర్ హమ్ సునే కర్తా కా మార్గ విట్టు परमेश्वर हमारे पास बाढ़ को छोड़ के चला जाए अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति पर अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अन्य भाषा प्राप्त कर पड़ गया अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीखे हमारी अन्य भाषा की है ये आत्मा वो तब ये पवित्र आत्मा यंदो यंदो के चाहिए ये क्या करता है आमेन हम कड़का यशया विद पुस्तक 11 नाम की है यशया 11 ये आत्मा विद सरकारी ने लिखी तो इस आत्मा की कुछ बातों को वहां लिखा गया 11 निकाल दीजिए कला यशया 11 दो से पढ़े यशया 11 का 2, 3, 4 यहोवा का आत्मा सब लोग ध्यान से सुनिएगा एक बजे बाइबल निकाल रहा निकालो सपने में बाइबल जल्दी जाने के लिए सीखो बात में अन्य भाषा बात करो सुनी करो अभी अन्य भाषा में क्या क्या होता है हैं प्रभु ने मतलब यही पढ़ने के लिए बोला इसलिए हम पढ़ा अब प्रसबर नहीं कर गया प्रभु हमको देगा तभी बोलेगा निकाल दिया ना सब लोग अब पढ़ो बेटे यहोवा का आत्मा देखना यहोवा का आत्मा बुद्धि देखा बुद्धि और समझ का आत्मा समझ आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा हाँ पराक्रम का आत्मा और ज्ञान हाँ और यहोवा के भय का आत्मा हाँ उस पर ठहराए रहेगा हाँ और उसको यहोवा हाँ का भय सुगंध सा भाएगा हाँ और मुंह देखा न्याय करेगा हाँ और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा हाँ परंतु हाँ और कंगालों का न्याय धर्म से हाँ और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय बस बस कड़ाई से करेगा ये वो कार्य मिलती है सात चीजों को लिखा है जो बाइबल पढ़ने वाले पंडित उनको इस प्रकार हेडिंग देते हैं यहोवा का कन्ना देवत्व का कन्ना परमेश्वर का आंख ज्ञान ज्ञानम क्योंकि ये ज्ञान है ये आत्मा मेरे पति वाले पड़ी मनसला इस आत्मा के बारे में हमें बहुत कुछ समझना है हम आदि बोलते हमने पहले बोला हमें तो मेरे उसके ऊपर यहोवा आत्मा वासी की यहोवा की आत्मा वास करता है मेरा पढ़े नियम हम पढ़ चाल अगर हम पुराने नियम को पढ़े ये देख लो सुसूष की वेंडी किसी एक सेवकाई के लिए नहीं वो तो ज्ञान मावर व्यक्ति कर दो परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति में आता है हाँ सुसूष है ना और जब वो सेवकाई हो जाता है आत्मा मरगी तो आत्मा वापस चला जाता है मुझे नहीं मतलब ना जा पर नया नियम में ऐसा नहीं 365 दिवसों आत्मा कोई व्यक्ति वसिकी 365 डेज जो है परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति में वास करता है समझ गया मैं हम पुदी भी विश्वासी है और हम जो है नया नियम विश्वासी है परशुद्धता पर ध्यान करता पर शरीर यानी वसिकी का मंदिर इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है आमेन Amen. Amen. तो ये आत्मा अगर नहीं होगा तो क्या होगा ये आत्मा जो है कैसे हमसे दूर जाता है मैं वापस आऊंगा इसमें वाला सत्य का बहुत ध्यान दे एफेसियों निकालेंगे नाला मध्य है चार 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 इसलिए चार 25 सब लोग निकाल दीजिए सब लोग निकाल दीजिए लिखे रखिए घर में जाकर पढ़ना है उसके बारे में कुछ डाउट है तो प्लीज मास्टर जी के पूछिएगा तो
और ध्यान से पढ़ना। मैं बोला पुदिय नियम विश्वासी, मैंने बोला नया नियम विश्वासी, परिशुद्ध आत्मा कोड वसी की पवित्र आत्मा उसमें सदैव वास करता है। और व्यक्ति परिशुद्ध आत्मा पिया लेंगी, अगर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं है तो संभव की तरह क्या उसके साथ क्या होगा? लेकिन आने परिशुद्ध आत्मा दुखी की कैसा पवित्र आत्मा शोकित होता है। आप 25 से आराम से पढ़ें, 25 से थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ सब लोग ध्यान से सुनना, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हाँ अभी रुको भाई, ये अभी जो पढ़ो ये वाइस वजन है उसको पीछो। आपने जो किया है यहाँ पे पढ़ा क्या वचन को, क्या आपने ध्यान दिया? नहीं दिया, किसी का सिर का मतलब नहीं घुस रहा है, सब बाहर जा देख रहा है, वो जाने वाला पीस जाए हम लोग को दवाई देना मुश्किल हो रहा है। अब प्रार्थना का साथ अगर उधर नहीं बढ़ सकता तो प्लीज भाग ले प्लीज, मैं वहां के हाथ पकड़ के बाहर करूंगा, वो डर नहीं है, मतलब मजाक की खेल नहीं हो। हमेशा गिव डाउन टू दो, वो नहीं है वजन सीखो, वजन अंदर आने दो। या आप और एक बार पढ़िएगा, वो वजन पढ़ो, सब लोग ध्यान से सुने। इस कारण हाँ झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, अपना पड़ोसी से सच बोले। कितना जन को आप यहाँ रखे हम ही बोल सकते हैं, सोच के यदि झूठ नहीं करना तो जो जो पढ़ा है उत्तम उदाहरण इससे न जी रहा है बोलकर कितना जन को बोल सकता है। हाँ? नहीं तो तरवण की मानस तरवण की वजह से सफर नहीं किया। अगर हम नहीं बोल सकते ऐसे तो अपने मन को फिराए, सर को झुका के मन फिराए। यार एंगल पति कई पुरे ने खदे तुम नहीं, अगर किसी के विरोध में कोई मनमुटाव की बातें हैं, आरे पति कुछ बड़े नहीं, अगर किसी के बात के किसी के विरोध में हम कुछ बोल रहे हैं, इन पर कारण देखो तो बड़ा आज सुबह के समय परमेश्वर से बोले, अगर एक तो कारण कर देना है परमेश्वर आपके लहू से मुझे धो ले, मैं शुद्ध कर देना है, मुझे शुद्ध कर, പവിത്രാത്മാരെ माता पिता से माता पिता को आज्ञा ना मानने वाले बच्चों के समान मुझे उन्हें परिशुद्ध आत्मा मिला, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है नहीं, मैंने स्तुति करता हूँ गलत दिया, तुम्हारा स्तुति आराधना परमेश्वर नहीं सुनेगा, कर्ता मेरे संरक्षण में चुचु मिला, परमेश्वर का सुरक्षा का वाड़ा तुम्हारे अंदर नहीं है। आर डगिल कई पुडगिल, अगर किसी के विरोध में कोई बातें आपके हृदय में है प्रार्थना कर दिया और क्षमा जोड़ के आज इस प्रार्थना के बाद आप क्षमा मांगे, भर्ता विनोद उन्नगिल अगर आपके पति से है तो, निगल देवदास विनोद उन्नगिल आपके पास्टर से है तो, निगल देवदास विनोद उन्नगिल आपके आंटी से पास्टर आंटी से है तो, निगल कितने सगोदर वर्ग में लोड उन्नगिल अगर हमारे भाई बहन यहाँ पे जो भाई बहन है उनसे है तो, ജിസ്കോ ഹൃദയ പ്രാർത്ഥന കരേ കൈ क्या मेरे अंदर वो कड़वाहट है क्या? मेरे उल्लिस कोप मुंडा। मेरे अंदर क्रोध है क्या? मैं सत्य के लिए चेलो बनूं। मैं जो सच किया उसमें मैं खरा नहीं उतर पा रहा। ये पाई खाली निर्माण की हुई है। पिता आज के दिन में मैं वापस आ रहा हूँ। मेरे हृदय को शुद्ध कर। मेरे हृदय को शुद्ध कर। मेरे मांग ने शुद्ध कर। मेरे जीव को शुद्ध कर। मुझे अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करना। परिशुद्ध आत्मा में आने दुखी पिता ने यह लगे मैंने जीवित तो तुम रहेंगे। पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली कोई भी बातें मेरे अंदर है तो इन भाई भार में उठ शरीर में आज के सुबह परमेश्वर मुझसे माफी मांग कर इन शरीर में मेरे शरीर में समर्पित हूं। अब मेरा शरीर आपका शरीर के नाते मैं समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
कितने लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं अपने हृदय की सच्चाई से एक बार प्रार्थना करें आपके आंसू परमेश्वर के पैर में गिर सके सब अपने आंखें को बंद करें इधर उधर ना देखते हुए हमारा परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है परमेश्वर किसी भी समय आ सकता है उसके लिए जो इंतजार कर रहा है उसको ले जाने के लिए हमारा हर एक टेढ़ा जीवन हमें हटाना है दूसरों के सामने जो आत्मिक टोक हम करते हैं वो हमें हटाना है और जो अन्य अनुचित है या फिर नहीं चाहिए ऐसे वाला मोबाइल जो है मोबाइल यूज जो है उसको हटाना है जो मोबाइल में जो अनुचित है उसको नहीं देखना है मोबाइल से किसी के बारे में विरोध में बातें नहीं करना है परमेश्वर की वचन बहुत गौर के साथ आपके बातें कर रहा है मैं पवित्र आत्मा हूँ मैं पवित्रता को चाहता हूँ मुझे अपवित्रता के साथ कोई संबंध नहीं मुझे जड़ शरीर से कोई संबंध नहीं कितने लोग रो सकते हैं इसको कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं एक मिनट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ आपको रोना है तो आप रो के प्रार्थना करें अगर आपको खड़े होकर साक्षी बलियान अगर आपको कुछ बोलना गवाही के रूप में बोलना है वो आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं ऐसा ऐसा गलती मेरे अंदर है आज मैं कलीसिया के सामने उठकर खड़े होकर बोलकर उसको छोड़ना चाहता हूँ मुझे परमेश्वर यीशु के लिए जीना है यीशु के लिए बातें करना है यीशु के लिए कुछ काम को करना है किसी को कुछ ऐसी बातें करना है बातें कहना है अगर ऐसी कोई भी बातें आपको कहना है तो आप कह सकते हैं हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कोई लज्जित ना हो इसके लिए आपके लिए सुन लो अगर किसी को भी अपनी कमी घटी को बोलने के लिए मन है तो आप उस कमी घटी के बारे में बोल सकते हैं परमेश्वर में अपने आप को समर्पण करता हूँ सभी का प्रार्थना मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ कौन ऐसा प्रार्थना कर सकता है मैं अपने इच्छा के अनुसार यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ परमेश्वर का परमेश्वर ही मुझसे बोल रहा है कि इस प्रकार बातें कर अगर भाइयों में से कोई भी अगर किसी को अपने जीवन की गवाही बताना चाहता है ऐसी ऐसी कमी घटी गलती मेरे अंदर है मैंने गुप्त में इस पाप को किया पिता मैं आज के दिन आपको बताना चाहता हूँ पवित्रता में रहने के लिए कलीसिया का प्रार्थना मैं चाहता हूँ कितने लोग हैं कितने अगर है कोई तो आप खड़े होके बोल सकते हैं एक मिनट आपके पास समय है किसी के पास है तो आप बोल सकते हैं अगर आप आप नहीं बोलेंगे आपके जीवन में छुटकारा नहीं आएगा आप कितना भी प्रार्थना करें सब लोग प्रार्थना के साथ सुन लो एक चीज था भाभी थोड़ा आगे आइए बोलना गाड़ी अलग सब्जी जवाब एक बात आपको ध्यान रखना बड़ा फरन साक्षी यहाँ बोलने वाला गवाही डोर में बड़ी कोई शमशान चुपे गए इस डोर के बाहर जाके आप लोगों को भी बातें नहीं करना है हमारा कुटुंब ये हमारा परिवार है कुटुंब के दैव तोड़े चुपे गया ये इस परिवार में परमेश्वर से बोल रहे हैं आज अंगूठी को गलिया करो कोई इधर उधर बात करके इसके बारे में चिढ़ाए ना पर पाप वेच वरी बोल ये जब अपने पाप को जो बोलते हैं यीशु ने पाप समुद्र तिराल तिले कर दी ओ उस पाप को उस नरक पीछे को डाल रहा है फिर आ मगला नोक बोल
फिर जब उस माता या बेटी को देखते समय वो उस पाप को नहीं किया है, ये है यीशु का स्वभाव, वही हमें भी चाहिए। घर जाकर कूटकर काम जब दोस्तों से मिलते समय, ये बहन ऐसी थी, अलगे संसार किया, उसने ऐसे ऐसे बातें किया, ऐसे ना बोले, गलत है ये। हम एक परिवार के बच्चे हैं, जनिचु हम अलग अलग परिवार में जन्म लिए, हम मसीह में एक परिवार है, हम सब जा रहे हैं स्वर्ग की ओर, एक ही स्वर्ग, और स्वर्ग में एक ही स्वर्ग है, हाँ उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। बोल दीजिए, बैठिए, सब जो मिल रहा है, देखो छोटे छोटे ज्यादा नहीं है, दो मिनट एक मिनट के अंदर बोलना। कमजोर थी तो हाँ, मैंने बहुत जगह कभी दुखाया, बहुत जगह पे अपने मन से मन से बहुत जन के लिए निकला भी है। मैं आज अपने पाप को गुनाहों को कबूल करती हूँ और सब जन से माफी मांगती हूँ। मैं डर और भय से ज्यादा घिरी हूँ, इसलिए मेरा डर और भय मुझे बहुत सताता है। मैं प्रभु के करीब आना भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर से मेरा डर और भय मुझे गंदे गंदे सोच में ले जाता है, गंदे गंदे विचार मेरे अंदर लाता है। अच्छा प्रभु को बोलो, प्रभु जी मेरे से माफ कीजिए, आपके लिए मुझसे धोले, तो बोल कर बैठो, अभी तुरंत वो सब निकल जाएगा। आमीन। और कोई है सामने? आइए आइए भाई जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ मास्टर सिद्धू के लिए इधर छोड़ें, तो अलग ही समय दो जो बच्चों को, बस अपनी बात से बच्चे बात सुन लो, रखियो को बोलो, फिर वो उससे क्षमा मांगते। यस यस, सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर मैं अपने झूठ को और अपने बुराइयों को छोड़ सकूं, छोड़ती भी थी, लेकिन जैसे कुछ बात मेरे विरोध में आती थी तो मैं उसको सोच करके बहुत परेशान हो जाती थी। तो इसी चीज़ को मैं अंगीकार करती हूँ कि कलीसिया में कई लोग हैं, मुझे ऐसे कई बाहर से सुनाई दिया कि मेरे विरोध में बोल रहे हैं, तो मैं एक दो लोगों को बताई भी हूँ, और उनके लिए भी जो बुरा सोची है सबके लिए क्षमा मांगती हूँ, पास्टर भी जैसे उनके पूरे परिवार से, उनके पूरे कलीसिया से, और जिनके लिए भी मैं बुरा माहौल सोची हूँ उनके लिए सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करे और अपने लहू से धोकर शुद्ध करे। और कोई है जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी सामने आ जाओ। विशेष समय है आपका, आपके अंदर में ऐसा महसूस कर रहे हैं, प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंच रहे, स्वर्ग नहीं पहुंच रहे, ट्रैफिक हो रहा है, प्रार्थना का रिजल्ट आने में देरी हो रहा है, हो सकता है ये आपका कमी होगी। अगर ये वक्त आपके लिए है, अगर आप इन बातों को कलीसिया के सामने बोलकर सबसे क्षमा मांग के, प्रभु से क्षमा मांगे रखो, आपका प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। परमेश्वर की दया से मांगा तो परमेश्वर की ध्यान वक्त परमेश्वर हर चीज से दूर रहा, मुक्ति भी मैं मोह है कि करीब तो पड़ोसी मन की चुगली सा, तो परमेश्वर पिता मैं क्षमा मांगा तो परमेश्वर पिता ओ पति नान ध्यान दे तो परमेश्वर बुराई नान मैं क्षमा मांगा परमेश्वर, हर एक चीज की क्षमा करने वाला तेज परमेश्वर पिता हो रास्ता देखा भी तय परमेश्वर, हर चीज के मैं क्षमा मांगा राजा। और कोई है? मैं सालों से प्रेयर कर रहा हूँ विषय के लिए, उसका छुटकारा अभी तक नहीं हुआ, हो सकता कि मेरे गलतियों के कारण इस परीक्षा में जो भी मन के द्वारा जो भी बातों के द्वारा जो भी पाप किया हो तो क्षमा चाहता हूँ और प्रभु से क्षमा चाहता हूँ।
मैं अपने साढ़े के कहने पर दारू का फिर से सेवन कर लिया, क्योंकि उनको बुरा लगता था कि मैं नहीं पी रहा था, बदमाशी करते थे, मैं बोला कि मैं बुरा तो नहीं मानता हूँ आप लोग, तो मेरा लगता था कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब फिर अगर तो दूर गया ना प्यार तो पी ले गए मेरे साथ में। और इसी तरीके से मेरे जीवन में क्या है कि मेरा अधिकतर पेट खराब रहता था, सीकर देता था, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना किया था तो मुझे चंगाई मिल गई थी। तो करीबन जो है ना दो संकट अच्छा रहा मतलब चंगाई, लेकिन अचानक से ये लगा कि एक भाई से मैं कोई मतलब पूरे दवाई को फेंक दिया था ना, अपना कोई दवाई चाहे झूठ ऐसे करते तो पूरा ठीक हो गया। लेकिन एक दवाई को 600 रुपये खरीदा था किसी से, तो उसको मैं फेंक नहीं पाया था, कीमत कुछ ज़्यादा है करके, तो अचानक से उससे मतलब शक्ति वर्धक है ऐसे टाइप का बताया था, तो मैं उसको जैसे ही लिया तो फिर से मेरा बीमारी जो है ना मेरे ऊपर हावी हो गया। और इसी तरीके से अभी जैसे मेरे माँ भी ख़त्म हो गई, तो मैं परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास करता था कि मैं मतलब यीशु मसीह जो है ना मेरी माँ को बचा लेगा। लेकिन बहन के दबाव के कारण मैं वहाँ से ये दवाई ले आया, उसके पास ऐसे जो मैं चला गया, और जानते हुए कि वो अच्छा जगह नहीं है वहाँ पर जो मूर्ति पूजक है और ये सब, फिर भी कह चुके हैं कि घर बंद हो जाएगा दुकान ऐसे करके घर बंद है, तो मेरे को ये भी लगा कि यहाँ से बात नहीं खरीदना चाहिए या नहीं वो करना चाहिए, लेकिन अचानक बात करते करते जैसे मैं खरीद लिया फिर बहन को बात कर दिया, और मतलब नहीं खरीदना तो जगह से क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी तांत्रिक का घर है, और पूर्ण रीति से मतलब मेरी माँ जो है दोनों किडनी खराब होने के बाद भी डॉक्टर उसको ठीक है ठीक हो रही है ऐसे करके बोल दिया था, लेकिन हम लोग उस दवाई को जो है ना समय मिला है करके उपयोग किए, तो उसी समय जो है ना 4-6 घंटे 8 घंटे में जो है खत्म हो गई। तो मैं उन सभी चीज़ों के लिए मतलब एक अच्छा विश्वासी और बाइबल का ज्ञान रखते हुए भी किसी पापों में पड़ा हुआ था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और विशेष करके इन दिनों में दिल्ली भी परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 2-3 संडे से, और जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करेंगे हमारे परिवार के लोगों को भी उद्धार मिलेगा। हालेलुया, खाली बजा कर उस गवाही के लिए। मैं पिता परमेश्वर से पाश्चर भी ऐसे क्षमा मांगता हूँ, और सभी कलिशे के भाई बहनों से क्षमा मांगता हूँ, मुझसे जो गलती है जो पाप के पिता परमेश्वर से क्षमा करेगा, मुझे उठा देता ही शरीर के पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि एक सुंदर अवसर मिला कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। मुझे प्रभु में आए 4 साल हुआ है, लेकिन पहले से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। पहले हमारे जीवन में बहुत सारी कुछ कुछ बातें होती थी, तो हम लोग एक दूसरे को बताते थे, उसको बुराई के तौर पर बताते थे। जहाँ तक मैंने हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने एक सिम कार्ड ले ली थी रिलायंस का, वो मेरी फ्रेंड यहाँ बैठी है, और 1 घंटे तक हम लोग पूरा बुराई बताते थे, पास्टर का कलीसिया का, मेरे साथ ऐसा होता था। लेकिन मैं बोली उसको, मैं प्रार्थना करी कि प्रभु ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी पास्टर का बुराई करें या किसी विश्वासी का बुराई करें। यदि हमारे जीवन में क्लेश या संकट आता है या कोई परेशानी होती है तो कुल मिलाकर के भलाई उत्पन्न होती है। ये आज जो सर आज सबको मौका दिए कि सब प्रायश्चित करें अपने पापों के लिए कि हाँ हमने पाप किया है, तो हम हर रोज जब भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु ये हमारे जीवन में जो बुराई है, जो अपवित्र मन है पिता, आप इसको बदल दीजिए, क्योंकि मैं सामर्थ्य नहीं, प्रभु आप सामर्थ्य हैं, आपसे सब कुछ संभव है। अपनी आत्मा के भरपूरी दे पिता परमेश्वर, ताकि जो ये अपवित्र मन है जो हमारे जीवन में
हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जैसे गलातियों 5:19 में लिखा है, प्रभु एक भी बातें हमारे जीवन में न रहे, और जो आत्मा का फल है जो 5:22 है वो हमारे जीवन में लागू होने पाए। तो आज ठीक है, लेकिन हमको अपने मनों को जांचना है, क्या आत्मा का फल हमारे जीवन में काम कर रहा है या शैतान का फल हमारे जीवन में काम कर रहा है। अभी तो ठीक है, सब लोग शपथ ले लिए, सबने सॉरी बोल दिए, लेकिन ये सब बातें हमारे जीवन में, हमारे हृदय में स्थायी रूप से रहना चाहिए। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन से बहुत सारी बुराइयों को दूर किया, और सारी महिमा हिम्मत नहीं है। Yeah.
बोलना बेन बोलना बेन देश चुनने वालों की बंदूक होगा अब ओ चोर के साथ आओ देश चुनने में भेंट का पार देश चुन के लहू से अभी बाहर जाओ अभी बाहर चले जाओ जाओ जा रहे हो कहाँ जाओ Shaka Mashiach, and the Rakamasaka by the Hosea, all about Shaka Ramani,
que sé que no lo sé. Todo mal así. पवित्रात्मा को जो दुखित करने वाली बातें संभवित पवित्रात्मा अगर हमें छोड़कर चले जाए तो क्या होगा अभी चार का 25 से इसका पहला पच्चीस से पढ़ेंगे क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। दौर तो करो पाप मत है। ध्यान से सुनना है, ना सुनेगा ना देखेगा, मेरे इधर दर्द है उधर दर्द है, प्रार्थना नहीं करेगा। समझ गया ना? आपको जो छुटकारा चाहिए तो वचन पर विश्वास करो। मेरा अपने हाथ में कुछ नहीं, चंगाई पर हम लोग चंगाई करने वाले नहीं है, चंगाई करने वाला यीशु है। यीशु आपको चंगाई करना है, बाइबल में जो लिखा गया उसका अनुसार से आगे जीना है। बिना जी के कुछ फायदा नहीं है। मे भी हो कोई भी। हाँ पढ़ो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना इस साल तक क्रोध रहने वाला इसका अंदर है, महीना दिन आपका प्रार्थना स्तुति स्तोत्र आराधना प्रभु कभी नहीं सुनेगा। रुक दया है, समझिए। हाँ देखो बाइबल में जो लिखा गया वो ध्यान से सुना। हाँ बढ़िया बढ़िया। और ना शैतान को अवसर दो। देखा अगर खोब ये तो माफ नहीं करेगा तो शैतान आपका अंदर आ जाएगा, क्योंकि अब दरवाजा बंद रखा है। हाँ पढ़े। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। सुना, कोई गंदी बात अन्य आता तो वाक हमारे शब्दों से भी हमारे जीवन में आने वाला आशीष बह जाता है या निकल जाता है। इसलिए हम जो मुँह से बोलने वाले हमारे शब्दों में हमें ध्यान देना है। याकूब जो है कहता है सुनने में जल्दी और बोलने में देरी। भक्त बेटी का है ये, एक भक्त परमेश्वर का भक्त को जरूरी एक काम है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से हमें सुनना है पर आवश्यकता के अनुसार। आप लोग पहले सुने फिर चिंता करें, चिंता करें फिर उसके बारे में उसके बाद क्या बोले। वचन कहता है कि सुनने में आगे रहो और बोलने में देरी करो, और इसीलिए आप लोग ध्यान दें। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए सुनने वाले को आशीष मिलने के लिए नमकीन के जैसे जो स्वाद देने वाली बातें गलत बातें या फिर ऐसे विनोद में बातें हमारे मुंह से नहीं आना। व्यक्तियों ऐसे व्यक्तियों से आप बात ही ना करें, उनसे कोई संबंध ना रखें, उनसे दूर रहना है, उनके लिए प्रार्थना कर।
करना है तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा ताकि उससे सुनने वालों का अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सुनो 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 सुना जो मैंने तुमने कहा नहीं मैंने ऊपर बोले के बातें परिशुद्ध आत्मा ने दुख भी करो ऊपर बोले के बातें जो है पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बातें बोले के परिशुद्ध आत्मा ने दुख भी करो कभी पवित्र आत्मा को शोकित ना करना परिशुद्ध आत्मा ने दुख भी जान अगर पवित्र आत्मा को आप दुखित करोगे और पढ़े जिससे तुम पर जिससे तुम पर छुटकारे के दिन छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सुना विश्वास करते हैं Thank you.
Yeshu ke naam se, ye jannat mein bhi khatik karo.
ஆத்மாவில் நிறைக்கணமே அந்தியகால